बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी ट्यूबलम पेपर है घर में। मैं सूरज राज, और आज की फिल्म देखने वाले जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, कान खोल कर सुन लेना आप थर्ड ईयर वालों, जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की बात करने वाला हूँ। और 1 जुलाई मतलब कि 1/7/2022 को आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन देखेंगे और आप लाएंगे 70% प्लस, मतलब कि 70% से ऊपर फंसेगा, कुछ नीचे नहीं फंसने वाला। अब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि 70% प्लस यहीं से मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है उस पे आप टिक लगा लो और यही क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी कुछ और मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो मैंने कहा ना कि 2 दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो मैं वादा आज पूरा कर रहा हूं। और आपको भी एक वादा मुझे अभी करना होगा कि आप सभी लोग जिसका भी पेपर होगा सबसे पहले मुझे 7037 32, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7037 32 78 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप इसको फोटो खींचकर या पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर कुछ भी कर रहा है, उन्हें सबको बता दो कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि यहीं से सब कुछ आता है जो हम बताते हैं, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन, आपका ध्यान से देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पर अपने टिक लगाएंगे जो भी आपके पास बुक है। पहला, आप फिलपाव रोग क्या होता है, फिलपाव रोग और ये किस परजीवी के कारण होता है, उस परजीवी का लाइफ साइकिल आपको याद करना है, उस परजीवी का लाइफ साइकिल आपको याद करना है, ठीक है। और कभी कभी चूहे के प्रकार पूछ लेता है कि चूहे के प्रकार कितने होते हैं, एक ये पढ़ेंगे। और ये जियोडिया की संरचना और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जियोडिया की संरचना, यहाँ डिया होगा, जियोडिया नहीं होता, जियोडिया होता है, ठीक है। जियोडिया की संरचना और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो आप देखेंगे, बाकी यहां कुछ और नहीं देखना। एक रेड डाटा बुक, एक छोटा सा शॉर्ट में ऑप्शन आता है रेड डाटा बुक का, इसको पढ़ लेना। एक आता है धान में पीड़क कीट, जो धान में पीड़क कीट लग जाते हैं उसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे, मतलब कौन से कीटनाशक का यूज करें, तो कीटनाशक क्या होता है, एक ऑप्शन इस तरीके से बनता है कीटनाशक क्या है, ठीक है। इस पर टिक लगाइए, छुड़वा रहा हूँ उसको, ध्यान नहीं देना है। ये आप ये देखिए, ये है डीमक का नियंत्रण कैसे करने वाला है, डीमक को नियंत्रण के लिए बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में कुकर पालन जिसे कहते हैं मुर्गी पालन, और ये है मत्स्य पालन, मतलब मछली का पालन और मुर्गी का पालन कैसे किया जाता है वो आपको याद करना है, ठीक है। नीचे बोले जो पहुंच जाइए, इसको टिक करिए, रेशम उद्योग का वर्गीकरण, मतलब रेशम उद्योग क्या होता है, ठीक है। रेशम उद्योग का पूरा वर्गीकरण करना है, पूरा वर्णन करना है, ठीक है। और उसके बाद में आता है परजीविता किसे कहते हैं, एक शॉर्ट में ऑप्शन बनता है कि परजीविता क्या होता है वो आप याद करेंगे, ठीक है। मछलियों के आर्थिक महत्व, मछली जो होती है उनकी आर्थिक महत्व, जब आप जब यहाँ मत्स्य पालन की बात, जब वहां बात करेंगे मत्स्य पालन, तो वहीं आप ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई मछली के क्या महत्व होते हैं, ठीक है। फ्लोरल कंट्रोल को छोड़ देना है, और यहाँ आपको जाना है फोरमोनल कंट्रोल, ये क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट में बनेगा, तो उसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो उसको बना बना के कर दोगे, ठीक है। यहाँ देखो, उसके बाद में इसको छोड़ देना है सब कुछ को यहाँ। ये क्वेश्चन देखो, वन जीव संरक्षण के महत्व क्या होते हैं, जो वन्य जीव संरक्षण होते हैं उनका महत्व क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण के वर्ग के महत्व, उनके उपाय के बारे में देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और शहद का, मतलब शहद को हनी कहते हैं, शहद जो खाते हैं मधुमक्खी वाला, उसका आर्थिक महत्व क्या आता है ये पढ़ेंगे। और आप ये भी पढ़ लेना साथ में, राष्ट्रीय उद्यान और देखो नेशनल पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो होता है, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये तो आप देख रहे हैं ना, भारत में मोती उद्योग और मोती का निर्माण कैसे होता है, भारत में मोती का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे ये पढ़ेंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट बांध, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट बाघ बोलते हैं जिसे, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है इसको। और वन्य जीवों का संरक्षण, मतलब वन में जो जीव है उनका कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, वो मरे नहीं और वो जीवित रहे तो ऐसे कैसे संरक्षण करेंगे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ देखना है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन जो भारत में देख रहे हैं, ये भारत में। और एक क्वेश्चन आता है कि बायो स्पेयर रिजर्व भारत में कितने हैं, ठीक है, थीके? ये क्वेश्चन एक बार बन जाता है, वो भी शॉर्ट में बनेगा, लॉन्ग में नहीं बनेगा, बस इतना ही पढ़ लेना, काम चल जाएगा, काम बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
ठीक है। और क्रोकाइल प्रोजेक्ट एक आता है, जनन प्रोजेक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही पढ़ लो तो आप बड़े आराम से 70% प्लस यहाँ से देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोग अभी लाइव हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो सच्ची। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बाकी आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है तो उन्हें बताइए कि पेपर हैकर एक ऐसा चैनल है जिससे पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, सबको बताइए ये बातें, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज, हमारा एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ भी हम वीडियो को पब्लिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जितनी, देखो हम जितना आपको हेल्प कर रहे हैं आपको हमारी हेल्प करनी होगी, सबसे बड़ी बात तो यह है। और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, MCQ जो क्वेश्चन बनते हैं 4 से 5 MCQ, महात्मा गांधी जो है आपका, ठीक है, जो मतलब कि MJPR रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है उसकी बात करने वाला हूँ। उसमें क्या होगा कि आपसे 5 से 6 क्वेश्चन MCQ बनेंगे। MCQ के लिए हमने एप्लीकेशन बना रखी है जो प्ले स्टोर पर हमने लॉन्च कर रखी है, मतलब प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका लिंक मैंने, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप क्रोम पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करिए paperhacker.in, आप होम पेज पर जाकर अपने जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास पर टच करके अपने सिलेबस, नोट्स, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब पर जो प्ले स्टोर हम प्लेलिस्ट बनाते हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट भी आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हमने आपको दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत के सामना ना करना पड़े। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि मैं छोटी सी वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कराता हूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।